एक बार गांधी जी के आश्रम में एक चोर घुस आया। अब किसी व्यक्ति ने उस चोर को देख लिया कि ये चोरी कर रहा है, तो उस व्यक्ति ने और व्यक्तियों को बुलाया और उस चोर को एक गोदाम में बंद कर दिया। अब क्योंकि रात बहुत ज्यादा हो चुकी थी, इसलिए लोगों ने गांधी जी को उस वक्त कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि सुबह गांधी जी को इसके बारे में बताएंगे। अब सुबह जब गांधी जी नाश्ता करने के लिए बैठे, तो लोगों ने उस चोर को वहां से निकाला और गांधी जी के सामने ला रहे थे। तभी गांधी जी ने उनके साइड में खड़े एक व्यक्ति से पूछा कि ये कौन व्यक्ति है जिसे ये लोग पकड़ कर ला रहे हैं। उस व्यक्ति ने बताया कि रात में ये व्यक्ति यहाँ पर चोरी करते हुए पकड़ा गया, ये शायद एक चोर है, तो इसलिए इन लोगों ने उसे गोदाम में बंद कर दिया और अभी आपके सामने ला रहे हैं। जब उस चोर को गांधी जी के सामने लाया गया, तो गांधी जी ने सबसे पहले पूछा कि ये व्यक्ति कब से बंधा हुआ है। तो लोगों ने बताया कि ये तो रात भर से बंधा हुआ है। गांधी जी ने कहा कि तुमने इस व्यक्ति को कुछ खाने के लिए दिया या नहीं। लोगों ने आश्चर्यचकित होकर पूछा कि महाराज जी, ये तो चोर है, इसे खाने के लिए हम क्यों देंगे, इसे तो ऐसा ही भूखा रखेंगे। गांधी जी ने बड़ी विनम्रता से सबसे कहा कि सबसे पहले इसे लेकर जाओ और कुछ खिलाओ, उसके बाद मेरे सामने लेकर आना। अब लोग और आश्चर्यचकित हो गए, लेकिन गांधी जी की बात कोई नहीं टाल सकता था, इसलिए उसे लेकर गए और कुछ खिलाकर गांधी जी के सामने लेकर आए। जब उस व्यक्ति को गांधी जी के सामने लाया गया, तो वो उनके चरणों में गिर पड़ा। वो रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा कि मुझे माफ कर दो, मैं आज के बाद कभी चोरी नहीं करूंगा। गांधी जी ने कहा कि तुम्हें रोने और गिड़गिड़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें अपना और अपने परिवार का पेट पालने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही था, और तुमने चोरी का मार्ग अपनाया जो कि गलत है, लेकिन अब तुम चोरी मत करना क्योंकि तुम मेरे आश्रम में कुछ काम कर सकते हो। और इस प्रकार से उस व्यक्ति का पूरा जीवन बदल गया। कई बार हमारे सामने भी ऐसी ही परिस्थितियां आती है, जब कोई व्यक्ति हमारे सामने गलतियां करता है और हम उस व्यक्ति को उस गलती के लिए दोषी ठहराते हैं। कई बार माता पिता के साथ भी ऐसा होता है कि बच्चे किसी चीज में गलती करते हैं, तो वो उन्हें या तो डांटते हैं या मारते हैं, या फिर उन्हें समझाने के लिए किसी और तरीके का इस्तेमाल करते हैं, जो कि बहुत ही नकारात्मक होता है। जब भी हम किसी व्यक्ति के साथ विरोध की स्थिति में आते हैं, तो वो व्यक्ति भी आपके साथ विरोध की स्थिति में आ जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि आप जब बच्चे को कोई चीज समझाना चाहते हैं, तो वो बार बार उस चीज को करने के लिए मना कहता है, क्योंकि आप उस चीज को करने के लिए विरोध कर रहे थे। आपको दूसरे और तरीकों का इस्तेमाल करना होगा, जैसे गांधी जी ने किया। किसी व्यक्ति को अपना दुश्मन बनाने से अच्छा है कि आप किस प्रकार से उसके दिल में अपने लिए जगह बना सकते हैं और उसे अपना दोस्त बना सकते हैं। ऐसे उदाहरणों को आपको पेश करना होगा, ताकि वो व्यक्ति हमेशा के लिए आपका हो जाए।